Hello everyone, I'm Dr. Shalini Agarwal. I'm a gynecologist. I am a principal consultant in Obs and Gyne in Cloud 9 Hospital, Patparganj, Delhi. And I also have my clinic, Aradhya Mother and Child Care, in Shipra Sun City, Indrapuram, Ghaziabad. Today we are going to talk about diabetes in pregnancy or gestational diabetes. जैसा कि आप सब जानते होंगे या आपने कहीं ना कहीं किसी अपने रिश्तेदार या किसी जानकार के बारे में सुना होगा कि कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है, यानी कि उन्हें पहले से वो डायबिटिक नहीं होते, पहले उनकी शुगर्स ठीक होती हैं, परंतु ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज़ हो जाती है। और ये प्रॉब्लम आजकल स्पेशली हमारे देश में और ज़्यादा बढ़ते चले जा रही है। डायबिटीज़ भी बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, इस तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ बढ़ रही हैं, और साथ ही साथ में डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी या जेस्टेशनल डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। रीजंस इसके मल्टीपल हैं। सबसे कॉमन रीज़न इज़ जेनेटिक, यानी कि आपके परिवार में यदि आपके माता पिता या मायके में किसी को भी इस तरह के इश्यूज़ हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस न केवल लाइफ में आगे बढ़ते हैं बट इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वज़न ज़्यादा होना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज या PCOD के पेशेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन प्लेसेस जहाँ पे हम देखते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ लोगों को ज़्यादा होती है। उम्र जब बढ़ती चली जाती है, आजकल हम देखते हैं कि लोगों की प्रेगनेंसीज लेट एज में हो रही हैं, आफ्टर 30 ज़्यादातर कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो इज़ अ फैक्टर जहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स अब हमारे पास ज़्यादा आने लगी हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलता है। ऑफकोर्स वी चेक कि आपकी शुगर्स ठीक हैं या नहीं हैं। स्पेसिफिकली जेस्टेशनल डायबिटीज़ को सही तरीके से जांच करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, GTT, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है? बेसिकली इसमें आपका फास्टिंग यानी खाली पेट में आपकी कितनी शुगर्स हैं वो बेसलाइन एक चेक किया जाता है। फिर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दिया जाता है, जैसे कि 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज WHO ने निर्धारित किया है कि 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज हम आपको देते हैं, और फिर देखते हैं कि आपकी बॉडी इस 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज को कितना मेटाबोलाइज या ब्रेक डाउन कर पाती है और इसके साथ आपकी शुगर्स कितनी बढ़ती हैं। नॉर्मली डायबिटीज़ चेक करने का तरीका है कि आपने एक फास्टिंग चेक कर लिया और PP चेक कर लिया, यानी कि खाली पेट में शुगर्स की जांच कर ली और कुछ खाने के बाद शुगर्स की जांच कर ली। परंतु कुछ खाने के बाद शुगर्स की जांच करने में प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कुछ लोग एक छोटा सा टुकड़ा ब्रेड का शायद लेके फिर उसके बाद अपनी जाँच करा लें, कोई पूरा अच्छा भरपेट एक मील यानी कि परांठा सब्जी रोटी कुछ खा के फिर आप जाँच कराते हैं, तो नेचुरली आप जो मील खाएंगे उससे आपका पोस्टप्रांडियल शुगर बदलेगा। इसलिए ये स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है कि सब लोगों को 75 ग्राम्स ग्लूकोज दिया जाएगा और फिर देखेंगे कि आपकी शुगर्स की वैल्यूज क्या रहती हैं। इसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड किया गया है कि कितने कट ऑफ पे हम डिसाइड करते हैं, कितने लेवल पे हम डिसाइड करते हैं कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। ये कब किया जाता है प्रेगनेंसी में? अमूनन हम इसको 4th, 5th, या 6th मंथ पे करते हैं, पर आजकल हम इसको अर्ली प्रेगनेंसी में भी करने लगे हैं और हमें अर्ली ऑन पता चलने लगा है कि कहीं आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है। अब मान लीजिए आपको ये प्रॉब्लम हो गया, यानी कि आपके डॉक्टर आपको बताती हैं कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की दिक्कत है या आपको GDM है, तो आपने करना क्या है? सबसे पहला जो मैं रिएक्शन लोगों में देखती हूँ वो है डिनायल। कोई मतलब एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, पर इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक रियलिटी है और इसका असर बहुत पड़ता है। इसका असर बच्चे पर जो आपके पेट में पनप रहा है उसके ऊपर उस वक्त तो पड़ता ही है जब आप प्रेग्नेंट हैं, परंतु उसके बाद भी लेटर ऑन इन देयर लाइफ आगे जाके उनको शुगर्स किस प्रकार से रहेंगी, लेटर ऑन लाइफ में वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें उस समय पे निर्धारित हो रही हैं जब बच्चा आपके पेट में है। तो इस टाइम पे शुगर्स को नॉर्मल रखना आपके बच्चे की लाइफ के लिए अब और आगे जाके ज़रूरी है। सिर्फ इसी बात से इसकी इम्पॉर्टेंस समझी जा सकती है कि हमें अपनी शुगर्स को नॉर्मल रखना कितना ज़रूरी है। अब एक कॉमन प्रॉब्लम जो और हम फेस करते हैं और थोड़ा सा समझ आने में दिक्कत होती है वो ये है कि पेशेंट्स कई बार ये मानना नहीं चाहते कि डायबिटीज़ है, और दूसरा उनको पता कैसे चले कि हाँ
आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, आप एकदम कंफर्टेबल और नॉर्मल महसूस कर रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, तो इसको समझने में कई बार थोड़ा समय लगता है, परंतु ये पता केवल और केवल आपका शुगर टेस्टिंग से ही चल सकता है। आपका शुगर टेस्टिंग जब किया जाएगा तभी ब्लड में ज़्यादा लेवल्स इंडिकेट करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम केवल तब महसूस होती है जब शुगर्स बहुत ज़्यादा 300-400 की रेंज में पहुंच जाते हैं, तब लोगों को किसी प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, पर हमें उस रेंज तक नहीं जाना। हमें जब प्रॉब्लम बिल्कुल शुरुआत में है तभी उसको पकड़ के उसको ठीक कर लेना है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक करने के सिंपलेस्ट और सबसे पहला तरीका है डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कहाँ आता है कि प्रेगनेंसी में हमें बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी की बढ़त के लिए, आपके शरीर की बढ़त के लिए खाना भी सही प्रकार से खाना है, परंतु इस प्रकार से खाना है कि आपके शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं। तो हम एकदम और केवल खाना कट डाउन नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, परंतु इसके लिए आपके बॉडी वेट के हिसाब से निर्धारित करके आपका कैलोरी डिसाइड होता है कि आपको इतनी कैलोरी खाने की ज़रूरत है जो कि आपके शुगर्स को भी मेंटेन रखेगी और आपके बच्चे में और आपके ब्लड में सही शुगर लेवल्स को मेंटेन करेगी। वंस दैट इज डिसाइडेड, देन वी कम डाउन टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाइट दैट यू आर सपोज टू टेक। किस तरीके का खाना खाना चाहिए? सो किस तरीके का खाना खाना चाहिए? सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ऑफकोर्स चीनी, मीठा, गुड़, खांड, मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम, एनीथिंग विच हैज स्वीट इन इट इज कम्प्लीटली आउट। शुगर फ्री या इस तरह के और सुक्रलोज बेस्ड चीज़ें तो बिल्कुल वैसे भी प्रेगनेंसी में हम नहीं लेते हैं, परंतु चीनी वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें बंद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ऑयल यानी फ्राइड फूड्स, फैटी फूड्स, जिस खाने में तेल की मात्रा ज़्यादा है वो खाना भी हमें नहीं खाना, क्योंकि वो एकदम से आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी कंटेंट बढ़ा कर देगा। तो चीनी, तेल, दो चीज़ें तो एकदम बंद करते हैं। इसके अलावा जो खाने में मॉडिफिकेशन किया जाता है वो किया जाता है कि किस खाने का कितना ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ग्लाइसीमिक इंडेक्स? ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कि कोई भी खाना खाने के बाद हमारे शरीर में शुगर कितनी जल्दी बढ़ना शुरू करती है। पहले समझने की चीज़ ये है कि हम कोई भी खाना खाएं, चाहे हम ब्रेड खाएं, रोटी खाएं, राइस खाएं, सब्जी खाएं, दाल खाएं, हम किसी भी प्रकार का खाना खाएं, वो खाना शरीर में जाके शुगर में ही कन्वर्ट होता है। वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल वहीं से बनता है। पर ज़रूरी ये है डायबिटीज़ में, क्योंकि बॉडी अच्छे तरीके से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती और शरीर में हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज बने रहते हैं, इसलिए व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हम ऐसा खाना खाएं जो कि एकदम से हमारी शुगर को शूट अप ना कर दे और धीरे धीरे करके हमारी शुगर्स आगे बढ़ें। सो व्हाट वी डू इज वी टेक फूड विच इज़ हाई फाइबर इन कंटेंट, जो कि एकदम रिफाइंड फूड नहीं है, जैसे कि मैदा और सूजी। ये चीज़ें जैसे ही ब्लड में जाते हैं, जैसे ही पेट में जाते हैं, जल्दी से शरीर इसे अब्जॉर्ब करता है और तुरंत हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको रादर देन दिस हाई फाइबर फूड कंटेंट की तरफ खाएं, मल्टीग्रेन टाइप ऑफ फूड लेना शुरू करें। मल्टीग्रेन फूड से क्या मतलब हो गया? जैसे कि आपने आटा लिया जिसमें और प्रकार के मिलेट्स, ज्वार, जौ, बाजरा, ये सब भी मिले हुए हैं। ये चीज़ें जो हैं आपके आटे का, आपकी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करते हैं। आप खाते हैं, आपको खाने की मनाही नहीं है, आप भूखे नहीं रहेंगे, परंतु आपका शुगर लेवल उतना तेज़ी से राइज अप नहीं करेगा। सो वी ईट फूड विच इज़ हाई फाइबर इन कंटेंट। सिमिलरली दालें अगर ले रहे हैं, अगर आप छिलके वाली दाल लेंगे तो वो उतना जल्दी आपका शुगर कंटेंट राइज नहीं कराएगी। कोई भी दाल खा सकते हैं, परंतु जो आप छिलके वाला लेंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। फ्रूट्स में बहुत मीठे फल जैसे कि आम, तरबूज, खरबूज, ग्रेप्स, बनाना, चीकू, पनापल, ये फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि अगेन बहुत मीठे हैं और बहुत जल्दी हमारा शुगर राइज कराएंगे। तो हम इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं ऐसे फ्रूट से जो कि आपका शुगर राइज उतनी जल्दी नहीं कराते, जैसे ऑल काइंड्स ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, मौसमी हो गया, ऑरेंजेस हो गया, कीवी हो गया, अमरूद हो गया, देन वी हैव बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, जामुन, है ना, आपका आड़ू, इस तरह के फल जो होते हैं ये आपका शुगर लेवल इतना जल्दी राइज नहीं कराते,
तो एक खाने को सिर्फ दूसरे खाने से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है. वी डोंट स्टे हंग्री बट वी सब्स्टिट्यूट इट विद अ बेटर फूड. वेजिटेबल्स में भी जो रूट वेजिटेबल्स हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि अपने रूट्स, जिनका हम रूट का पार्ट खाते हैं, जैसे कि पोटैटो, अरबी, जिमीकंद, ये सारी की सारी सब्जियां सारा कार्बोहाइड्रेट अपने रूट्स में स्टोर करती हैं. तो नेचुरली हम उसको कम करते हैं और इन सब्जियों का अमाउंट कम कर दिया जाता है. इंस्टेड ऑफ दिस ऑल अदर वेजिटेबल्स विच आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बैंगन, गोभी, ऑल दीज काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर परफेक्टली फाइन एंड यू कैन टेक इट इन गुड अमाउंट. तो मटर थोड़ा सा कम कर दिया, गाजर थोड़ा सा कम कर दिया, बट बाकी ये सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप अच्छे अमाउंट में खा सकते हैं. दूध अगर लेंगे तो प्लीज टेक टोन्ड और डबल टोन्ड मिल्क, बिकॉज उसमें से अगेन फैट का कंटेंट निकाल दिया गया है या बहुत कम मात्रा में आपको दिया गया है. राइस अगेन, अगर आप ब्राउन राइस लेंगे वो भी पसा के, यानी कि उसका जो माड़ होता है उसको निकाल के फिर आप थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें, तो यू कैन ईट दैट. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ डाइट विच आर फॉलोड फर्स्ट, दैट्स नंबर वन. उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल. तो सबसे पहले अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज होती है तो सबसे पहले हम आपको इस तरह की डाइट पे डालते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि क्या आपकी शुगर्स ये डाइट को सही करने से मेंटेन हो रही हैं या नहीं हो रही. जैसा कि मैंने पहले बताया, आप स्वयं नहीं जान पाएंगे कि आपके शरीर में शुगर बढ़ी है या नहीं बढ़ी है जब तक आप अपनी शुगर्स को टेस्ट नहीं करेंगे. तो इसलिए शुगर पहले खाना ठीक करते हैं, साथ में थोड़ा वॉक एंड एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं. यदि आपको पेन नहीं है, बैकएक नहीं है, कोई ब्लीडिंग के इश्यूज़ नहीं है, आपके डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए नहीं बोला है, तो आप खाना खाने के बाद 10-15 मिनट चलिए आप वॉक करेंगे तो अगेन आपका शुगर का यूटिलाइजेशन बेटर होगा. अपर बॉडी एक्सरसाइजेस जिसे हम बोलते हैं, यानी कि हाथ ऊपर करना, नीचे करना, हाथों की एक्सरसाइज, अपर बॉडी की एक्सरसाइज, अगेन हमारा शुगर लेवल कम करती है. तो ये सारी चीज़ें करना फर्स्ट स्टेप होता है. आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई और हम ये सारे चेंजेस अपने खाने में लेके आते हैं और उसके बाद लाइफस्टाइल में लेके आते हैं और उसके बाद हम शुगर्स चेक करना शुरू करते हैं, जो कि खुद से ग्लूकोमीटर के द्वारा अपने आप हम घर पर करते हैं. एंड वंस वी नो इफ द शुगर्स आर गोइंग ओके, वी स्टिक टू दिस डाइट. अगर हमें लगता है कि शुगर्स ठीक नहीं है तो कुछ मेडिकेशंस ऐड किया जाता है. कभी कभी किसी को इंसुलिन की भी ज़रूरत होती है. अगर आपकी शुगर्स दवाई से भी कंट्रोल नहीं हो रहे या बहुत हाई लेवल्स में हैं तो आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन लेने के लिए डिसाइड कर सकते हैं. मैं कई बार देखती हूँ कि पेशेंट्स इंसुलिन के नाम से परेशान होते हैं, विच इज़ अगेन अंडरस्टैंडेबल. बट वॉट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक प्रेगनेंसी में इंसुलिन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा. नॉर्मली जिनको भी डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी होती है, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को आफ्टर प्रेगनेंसी ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है. ऑफकोर्स हम प्रेगनेंसी के बाद भी चेक रखते हैं आपकी शुगर्स पे कि ये ठीक लेवल पे आई या नहीं आई. अगर ठीक आ गई तो ठीक है, अगर नहीं ठीक आई तो अकॉर्डिंग टू योर लेवल्स आपका ट्रीटमेंट किया जाता है. बट अगर आपको इंसुलिन की ज़रूरत है और आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि प्रेगनेंसी में इंसुलिन लेना है तो प्लीज़ उसको लेना ज़रूर चाहिए. बिकॉज जैसे मैंने कहा कि बच्चे में होने वाले प्रॉब्लम्स, बच्चे का वज़न ज़्यादा हो सकता है, कई बार ग्रोथ कम हो सकती है, पानी बढ़ सकता है पेट के अंदर, टाइम से पहले लेबर में जा सकते हैं, इन्फेक्शंस का रिस्क ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है. ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ यदि कंट्रोल में नहीं हो तो उसके साथ आते हैं. सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम अपनी शुगर्स को सही प्रकार से मॉनिटर करें. यदि इस तरह के स्टेप बाय स्टेप हम मैनेजमेंट करेंगे और करेक्ट तरीके से अपनी शुगर्स को चेक करेंगे तो ये जितने होने वाली पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं. सो नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या ये डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के बाद भी रहेगी. लाइक आई सेड, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है. कुछ लोगों में परसिस्ट करती है. यदि परसिस्ट करती है तो आपका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होता है. लेकिन जिन लोगों में ठीक भी हो जाती है उनको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दिस डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी वॉज लाइक अ वार्निंग बेल. ये एक घंटी है, ये बता रही है कि आपके शरीर में आगे जाके डायबिटीज़ होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं. जेस्टेशनल डायबिटीज़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी शुगर्स और आगे बढ़ती चली जाती हैं. यानी कि अगर शुरुआत में हमने अपनी डायबिटीज़ की शुगर्स को
डाइट से मैनेज कर लिया है, सही प्रकार का खान पान करके, जैसे कि मैंने आपको बताया वो हमने सही तरह की डाइट लेके अपनी शुगर्स को ठीक तरीके से मैनेज कर लिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आगे तक ये शुगर्स इसी डाइट के ऊपर सही चलेंगी। शरीर के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे एंजाइम्स और प्रोटीन्स पैदा होते हैं जिसके अंदर जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे डायबिटीज़ के या शुगर्स के और ख़राब होने के चांसेस और बढ़ते चले जाते हैं। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए हमें रेगुलर शुगर की मॉनिटरिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमने सही डाइट लिया, अपनी शुगर्स को चेक किया, वो अभी सही आ रही हैं, तो भी हम इन शुगर्स को रिपीटेडली रेगुलरली ट्वाइस अ वीक या जैसे आपके डॉक्टर आगे आपको बताएं वैसे हम आगे रेगुलरली चेक करते रहेंगे, जिससे कि यदि आगे जाके ये शुगर्स कहीं पे भी गड़बड़ होती हैं तो तुरंत हम उसके ऊपर या तो कोई मेडिसिन या कोई और चीज़ ऐड करें जिससे कि आपके शुगर्स सही रह सके। तो यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होती है तो आप आगे प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आपका शुगर्स सही रहे, एक वो आप चेक करने से ही पता कर पाएंगे, और दूसरा यदि आप अपना वज़न सही रखेंगे, आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो काफ़ी हद तक आप अपनी शुगर्स को कंट्रोल कर पाएंगे, आपकी शुगर्स ठीक रहेंगी और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आगे आपको नहीं होगी। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ GDM इन प्रेगनेंसी फॉर अस आवर बेबीज़ एंड फॉर अस लेटर ऑन इन आवर लाइव्स। थैंक यू।